जनाबे गुले गुलशन अली साहबजादा सैयद सभी मसूद शाह साहब बुखारी शाहजी किबरा यूके में या पाकिस्तान में या जिधर भी यूरोप में सैयद हसनैन सकलैन शाह साहब का कलाम पढ़ते तो मेरे जहन में होता कोई 50 साल का बुजुर्ग होगा, लेकिन आज देखा है तो दिल से एक दुआ है, अल्लाह करे ये सादात पाक सलामत रहे। हमारी जानवरी शरीफ से महताब तरीकत शाह सवार मैदान मोहब्बत फख्र सादात आले नबी और आले अली हजरत पी सैयद अब्दुल कुद्दूस शाह जी किबला दामत बरकात कुदसी आप तशरीफ फरमा हुए। देखो ना जी अल्लाह किसी टाइम बंदे की सुन लेंदा अच्छा तुसी तो बुजुर्ग हो तो वैसे भी अल्लाह नूं सफेद दाढ़ी दा हया ही बड़ा सैयदना सदीके उपर दी दाढ़ी मुबारक दे कुछ वाल सफेद हो गए तो एक ऐसा नबीना सहाबी जिन्हें अबू बकर पाक की दाढ़ी मुबारक से हाथ रख के अल्लाह की बारगाह साहिब मौला तेन इस दाढ़ी का वास्ता ही मैनू अखा दे दे अल्लाह ने अखा अता कर दी हैं जी तो फिर चिट्ठी दाढ़ी का हया तो बड़ा है मालक नूं तो मेरा मकसूद जनाबे साहबजादा सैयद हसनैन सकलैन शाह साहब आपको खुश आमदेद कहता हूँ जनाब आप हमारे मौसिस मेहमान हैं। लो जी दो चार मिनट की नौकरी पेश करते हैं और शाह साहब किबला के माइक वाले करते हैं। हाँ जी मैं दूर से देख रहा हूँ कि मेरे हाजी मोहम्मद सलीम जरगर साहब मेरे पीर भाई हैं हमारे मौसम हैं और डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब मैं गुजारिश करूँगा आप ऊपर तशरीफ लें। डॉक्टर साहब भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सीनियर भाई हैं और अल्लाह ताला ने मेरे मुर्शिदीन से बड़ा प्यार फरमाते हैं। मैं आप बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जनाब। डॉक्टर साहब आप तशरीफ ले आएंगे आप ऊपर मेंबरशिप पे। लो जी चंद मिसरे एक कलाम के पेश करते हैं उसके बाद शाह साहब के माइक वाले करते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी लगन के साथ। रहमानी बरादरान ने राना बरादरान ने जरगर बरादरान ने बिलखसूस खालिद महबूद रहमानी साहब साजिद साहब वाबिद साहब माजिद साहब और इनके तमाम राना मोहसिन साहब और चांद भाई रवीर भाई पूरी टीम को मैं समीम कलम से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद मिनट की नौकरी है और उसी नारे को आगे लेके चलना है जो हाजी फैजरसुल कमर साहब ने नारा लगाया आखिर में और उन्होंने अकेले नहीं लगाया पीछे से उनको मोहब्बत भरी उनके कान में मीठी सी आवाज आई हाजी साहब ये नारा जरूर लगा रहे तो मेरे जहन में ख्याल आ गया उसी नारे पर दो चार मिनट हो जाए ताकि आपके सुभान अल्लाह और बाबा जी से कबल मौला कायनात का जिक्र हो जाएगा ही सैयदना सदीक अकबर की बारगाह एक शेर पेश कर दिया जाएगा साड़ी आदरी मुकम्मल हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो जरा। अच्छा कैसी गल है भी थोड़ा जहा उदा खड़का पैदा हो तो सारे उधर कान चुक लेते माइक उत्ते जो बंदा खलोता है उन्हें तरला कहना पैदा है कैसे कैसा इंसाफ है जरा थोड़ा जहा लोहे देने को हिले जुले तो कुछ है नहीं ना जी कोई डिगी तो कुछ है नहीं वो थोड़ा जहा क्योंकि ऐसा हो जाता सिस्टम वो पैर ऐसा वजनी हो जाए तो थोड़ा जो उतरते नीचे आ जाते आवाज पैदा हो जाती है तो सारे उधर वेखन लग जाते हो तो जरा जिंदा बंदा आवाज पैदा कर रहे हैं वो आवाज इन्नी कंजूसी कर दोगे तरला करना पैदा है। सुभान अल्लाह चलो तरला ही सही एक और हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह रहा है। वैसे भी मेरा नाम इफ्तिखार रिज़वी है तरला कमेटी का मैं चेयरमैन हूं। सुभान अल्लाह लेंदे लेंदे इत्थे तक हो गया जी साहब बुद्धत गुजर गई सुनियो तुहाडी नौकरी पेश कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू आबाद रखे सलामत रहे आप। लो जी मैं जुमला देना चाहता हूँ जमीन हवा फजा खला अतारुत जोरा मरीख मुश्तरी पहला सला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जन्नत दोजख सिदरा अरशेउला सब कुछ नीचे है आका के नालायन ऊपर है। सुभान अल्लाह नहीं बोले सारे नहीं बोले सारे नहीं बोले सारे नहीं बोले सारे मैं अगर तरतीब में चला जाऊंगा कौन कौन नीचे है तो रात बीत जाएगी लेकिन ये मंजर जब शायर ने देखा तो क्या दिया आका हमारे हमारे हाथ नीचे रखना हाथ नीचे रखना ये कलाम मिलकर पढ़ना है आका हमारे आका हमारे आका हमारे
ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम है मोहम्मद आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। कैमरामैन भाई जरा कैमरा घुमा के खुदारा उस बंदे का हाथ कैच कर, उसके माथे की लकीर देख जो तेरे मुस्तफा का फकीर बन के बैठा है और तेरे जहरा का नौकर बन के बैठा है, हाथ उठा के बोलेगा आका हमारे, 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 आका हमारे। इस बांदा करना की है हजूर वास्ते ना बोले, इस हाथ का करना की है जेड़ा मेरे आका दी इज्जत वास्ते बुलंद ना होवे, हाथ उठा के बोल आका हमारे, आका हमारे, मोहम्मद मोहम्मद पके दे गुजर गई, अहद नाल अहमद बने दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी मां खुदा ते मोहम्मद छके दे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर कुरे डाचियां दे चुमे दे गुजर गई, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। बड़ी शान वाले, मेरा वादा था शाह साहब किबला से आप जैसे तशरीफ लाएंगे फकीर माइक आपके हवाले कर देगा, और अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब आप तशरीफ ले जी जी। चलो बिस्मिल्लाह, दो शेर मैं आप दे हुक्म दी तमील च कर देना, क्योंकि दर जवानी तौबा कर दर शेवा या पैगंबरी, लेकिन यकीनन ऐ जबीने मुस्तफा आका हमारे बड़ी शान वाले, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हमारे बड़ी शान वाले, मोहब्बत हमारे बड़ी शान वाले, आका आका हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये रहमान वाले, हज्जो के क्या दिया दे, आका हमारे, आका हमारे, शान आका हमारे, आका हमारे, आका दूर की बात नहीं करता हाजी साहब, एक बात करता हूँ। मैंने एक रोड पे एक्सीडेंट देखा, हाल ही की बात है, हालिया बात है, पूरी बस तबाह हो गई, लेकिन मेन स्क्रीन को दरार तक ना आई, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था आका हमारे। बस सामीन गिरामी, मुझे भाई का हुक्म है और वक्त भी मेरे मनहूजे खाता रहे, और सोने सदात बादशाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा जी ज़ियारत हो गई हमें, हसनैन शाह जी किबला आपकी भी ज़ियारत हो गई हमें। मैं जी बिस्मिल्लाह जी, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना तो बता, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना तो बता, कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयद आज़ारा। ऐ जबीने मुस्तफ़ा, ऐ जबीने मुस्तफ़ा, ऐ जबीने मुस्तफ़ा इतना तो बता, कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयद आज़ारा। मेराज की रात जिस रसूले करीम के लिए कायनात का सारा निजाम खड़ा हो जाता है, वो मेरा रसूल सैयदा बतूल के लिए खड़ा हो जाता है। ए जमीने मुस्तफा इतना तो बता, कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयदा ज़हरा। तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, तेनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा, हजे नौकर लभने ऐसा पीस का माहौल है, देखे कितनी सख्ती है। इसके बावजूद महफिल सज गई, हाजी साहब को भी एक फोन आ गया डीएसपी साहब का, कैसा माहौल है, आपने फरमाया आके तक लो, क्योंकि तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकर, तेनू पता नहीं, तेनू 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 पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकर दा, वो नौकर सी ना बाबा फरीद, सैयदा ते रेत के चिब्बे ते बैठे सन,
ते छोटे छोटे बच्चे सिरा ते पानी दे मटके ते कोलो पे लंगन ते बाबा सानू आ गया तरस फरमाया पुत्र छावें आ जाओ धुप बड़ी सख्त है मैं कहा हजूर सानू जल्दी बड़ी है पानी भरन जाना है शाम होगी ते बाबा जी उस्ताद सा मारंगे फरमाया इत्थों भर लो इत्थे कौड़ा है फरमाया मिठा मैं चा कर सा उन्हें भर के पानी बाबा साहब के कदमों च रखा हजूर जोत लंबी आ दे आपने कुरान दी आयत पढ़ के पानी नु मारी फूक पानी हो गया मिठा ते बाला लिया चाह ते बड़े चाह दे नाल चले गए उस्ताद शाबाश देवेगा सवेरे जाते सो शामी आते सो अज हुणे गए हुणे वापस आ गए उन्हें कहा पुत्रों जल्दी भर दे आयो पानी कौड़ा लाया आयो उन्हें कहा उस्ताद ए मोहतरम कौड़ा था यानी कि कड़वा था कौड़ा सी फूक वजी मिठा हो गया है कै मारी फूक तेनू पता नहीं लहरा दे नौकरा दा तेनू पता नहीं लहरा दे नौकरा दा न जाने किसी बंदे नू गल चंगी लगे या ना लगे लेकिन मेरे मन की आवाज है एक जनाजा वह रावल पिंडी की तारीख ने वेख्या है यह जनाजा हूँ मिनारे पाकिस्तान के साए दाता गरीब नवाज के कदमों च बाबा जी खादम हुसैन जी तके है जो फुल हो गया ना ग्राउंड सारा कुछ तो किसी ने पूछा ये कैसा जनाजा है आवाज आई चुप तेन पता नहीं जहरा देना करा मैं बहुत समझता हूँ भाई अल्लाह का सलामत रखे मेरे मौजूद मेहमान हैं मैं दावत पे आया हैं तो मैं हमेशा से शाह जी मेरी आदत को जानते हैं मैं विक्रमतीस की तरह चमटना नहीं जानता ये मेरे पे खास करम है मैं अपने मेहमानों की कदर करना जानता हूँ सैयद तो एक नहीं माण हूँ कि फिर अज तो तीन सदा से पाक हमारे मिंबर का हुसन बन चुके हैं शाह जी साहब इन्हें खुश नसीबी है ये इंतजामिया की सारे की खुश नसीबी है थोड़ी भी और मेरी भी तो मैं गुले गुलशन अली फखरो सादात जनाब साहबजादा सैयद ज़बी मसूद शाह साहब आप अगर गुजारिश करांगा शाह जी की बुला तशरीफ लियाओ और आका ने सलसल दी पाक बरगज गुलाय अकीदत थे उन्होंने दे तो कोई नहीं नाल ही नहीं तोड़े ने हजूर तुसी अगे ते आओ अगे आ गया सोफा कहंदा है मैनू सजाओ देखो ना किड्डा चमकीला है ते बावजूद सोना नहीं लग रहा सोफा इंतजार कर रहा है कोई सैयद आके पवे तो मैं चमका है जी है अच्छा हजादे तनवीर जट साहब भाई मोहम्मद बूटा कसाई साहब खालिद महमूद भट्टी साहब चेयरमैन थोड़ी सब सफदराबाद दे मैं इन्हां सगियां नूं भी दिल दी अथाह गहराइयां नाल खुशामदीद आखांगा जनाब नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अच्छा कुछ मेरे वर्गे ऐसे होंगे ने जेडे थोड़ा थोड़ा सुर नूं समझदे ने कुछ नाथन होंगे ने जेड़ा सारा ही सुर नूं समझदे ने तो कुछ ऐसियां हस्तियां होंदियां ने जिन्हों सुर भी समझदी है यह गल याद रखिया जाए कुछ ऐसे हज़रात होंदे ने जिन्हों सुर भी सोचदी है मैनूं अलाप कौन रहा है कि मैं लब्भा ते आ गई कि होठों ते मैं आ गई शाह साहब किबला अल्लाह ताला ने मलका अता किया सिर्फ पाकिस्तान नहीं असा तो इन्हों के नाल दुनिया घूम भर के वेखी है यकीनन आप बड़े मिठे अंदाज के मालिक ने और हजारा शागिर्द ने आपदे और सानू ये नाज है सानू फखर है कि शाह जी ने तमगा इम्तियाज जिहड़ा अलमदुल हुकूमत पाकिस्तान वालों अता किया गया शाह साहब से अल्लाह ताला ने जिहड़ा मलका अता किया उसका हिस्सा एक एक नारा लाओ ना दसो जरा सदात के नाल सानू प्यार किन्ना है नारे तकबीर नारे तकबीर नारा तकबीर मैं रिजवी भी हाँ कादरी भी हाँ तो चिश्ती भी हाँ यह गल मेरी याद रखो अगर मेरे खून की तुहानू लोड़ है फिर बोलोगे तो मेरा बी पॉजिटिव है आखो तो एक एक बोतल दें कुछ बंदे कमजोर होंगे ने ना जी हम जे कम हाजी साहब तुम मेरे पीर भाई हो जनाब मैं तुम्हें सलाम पेश करना यकीन करो मेरी थकावट उतर गई जो तो मेरे कन च जी मिठी जी गल की थी। मैं तुम्हें दस नहीं सकता लेकिन दमने वक्त मुजाज को नारा लाओ यार नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत कच बच के ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल जी शरीफ जी शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाजिर मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम बहुत प्यारे भाई जनाबे इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहब आपके हुक्म पे
बड़े भाई भी है ना जी, तो मैं हाजिर हुआ, भाइयों ने इतना ही खूबसूरत अपने पाक का इनकार किया, हस्बे वादा अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को, हम सब की इस हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। जंडवाली शरीफ मैं अभी शाम में हाजिर हुआ, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे दोस्त जनाब सैयद हसनैन सकलैन शाह साहब, तखल्लुस है इनका हसनी सैयद हैं जी। तो आजकल ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान का सभी नात खां तकरीबन इनका कलाम पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी पिछले दिनों अल्लाह करीम ने इन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके वसीले से बेटा अता फरमाया। तो मैं किबला बड़े पीर साहब को इन्हें मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ था, तो इन्होंने किबला पीर सैयद अब्दुल कुदूस शाह साहब कमाल शफकत फरमाते हुए ये खुद फरमाने लगे कि हम भी आपके साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ नहीं, मैं इनके साथ हाजिर हुआ हूँ है। तो बहुत ही प्यार वाली शख्सियत है और अल्लाह करीम इनका साया हमेशा कायम दायम रखे। तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ बाबा दे बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए, मैं अपने कलाम का आगाज करता हूँ। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार सरकार हश्र में सरकार कहाँ है, फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ है, फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ परवाना है जन पर
परवाना है जन्नत लिए ढूंढे गे फरिश्ते परवाना मोहम्मद के वफादार कहाँ है औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ परवाना है जन्नत लिए ढूंढे गे फरिश्ते परवाना है फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है कुछ नहीं जमाने से कुछ नहीं मांगता जमाने से क्यों क्योंकि रब्ता है सकी घराने से रब्ता है सकी घराने से जिनके नाना नबी अली बाबा जिनके नाना नबी अली मुझको निस्बत है उस घराने से हमको जो कुछ मिला खुदा की कसम खुदा मिला
खुदा की कसम, पंजतन के सके घराने से परवाना जन्नत लिए ढूंढे के फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार का सहाबे मोहम्मद के वफादार का है। चारे यार नबी दे सोने कोई दे से न चारा वर्गा, इस धरती पैदा कीता कोई ये ना यारा वर्गा, ना कोई हो शान सिद्दीक की दसा इको यार हजारा वर्गा, इको यार हजारा वर्गा, सहाबे मोहम्मद के वफादार का رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بابا جی تو آٹے رضوی صاحب دے مرشد خانے ایک میں ایک بھائی پڑھیا سی تے او بڑا میں باہر بھی جانا اتھے بھی فرمائش ہوندی ہے، میں پرسوں رات نوں لاہور ساں اتھے بھی منوں ایک سید زادے نے انہوں نے فرمائش کیتا تے میں دل کریا نزدیک آیا اتھے بھی پڑھا ہے کعبے ول مایا، تسی کچھ کیا محبت نل کو سبحان اللہ، تیبا بل مومیا تیبا بل مومیا سونا تو لگنے تجا پھر بھی تو مایا مایا ایک سونا
ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਯੂ ਤੋ ਈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਵੀ ਹੈ ਯੂਸੁਫ ਵੀ ਹੈ ਦਾਊਦ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲਗਲੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲਗਲੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਲੀਮਾ ਹਲੀਮਾ गोद में लेकर हुजूर से बोली के एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया एक सोना सोना एक सोना तू लगने ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਬਰੀਲ ਸੇ ਕਹਿਣੇ ਲਗੇ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ
سونا کیوں لگنے تجھا پھر بھی تم آیا ایک سونا کیوں لگنے تجھا پھر بھی تم آیا نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے کدھرے نظر نہ آوے کیونکہ ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا 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 کسی بھائی نے مجھے فرمائشی کلام دیا ہے کہ جو حضرت قبلہ چھوٹے لالا جی رحمت اللہ علیہ سماعت فرمایا کرتے تھے ایک مائیا سنیں جو بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ سماعت فرمایا کرتے تھے کہ گڈیا گئی ٹیشن سے گڈیا گئی ٹیشن سے پرا ہٹ وے بابو مایا ویکھن دے پرا ہٹ وے بابو سانو مایا ویکھن دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ کافی دوستوں نے قطعے کے لیے کہا پیش کر رہا ہوں بے بس زبان ہے لفظ بے بس
معذور ہے وہاں سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہو کنارہ نارانہ جسم جسم کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جے لکھواری تر گلابوں دھوئے نت زبانا نامو نہ دے لائک نائی کی کلمے دا کنا لفظ کا ایک مقام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی ادائیگی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو کوشش کرنی چاہیے ادا تو نہیں ہو سکتا خیر لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں زیرا مدا مدا آقا شان تیری وچ آیا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا سبحان اللہ ماج ملکا سبحان اللہ
حسن کا مکمل کا کتھے میں گرے آلی کتھے تیری سنا کتھے میں گرے آلی کتھے تیری سنا اس تاک کی کتھے جاڑیاں ذکر حضور کیا کیا ہو گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ قریب قریب کے تو دوست مل کے پڑھ رہے ہیں، اگر سب کہیں تو زیادہ لطف آئے، کیوں لطف آئے Yeah.
जगह मत पे जाके सिवा कुछ भी नहीं, इश्क मोहब्बत ना वारे अगमते मुख्तार के साथ जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए ये समझ लो बोले आका आपने जब से नवाजा या रसूल अल्लाह आपने जब से नवाजा है जब से या रसूल अल्लाह मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया बीत गया रुसना सावलिया सावलिया मैं खूने ना देगड़ा हिजर तेरा आज पानी मंगे ते मैं खूने ना देगड़ा हर वेले तंग यार दिया बैठी डोर में कागू डारा पाला कास भेजा में डी गया हाल बीमारा मारा यार बिना मन कौने मेरे दिल विच दर्द नजारा गुलाम फरीदा मैं तई रो हो जिमें बिछड़ी गूंज का तारा सावन या
ਅਜ਼ਨੋਂ ਦਰਦੰਡੇ ਤੇ ਸੁਤੜੀ ਲੁਤਫ ਕਰੋ ਹਿਕਵਾ मनकबते सरकार मौला खुशकुशा पेश कर रहा हूँ और ये जनाब सैयद हसनैन सकलैन शाह साहब की लिखी हुई है इंतहाई खूबसूरत मनकबत। गिरा लाने सी ते ओ टाइम दे नाल बड़ी हो मतलब हाँ शुरू हो गए ने चलो चलो अली अली
کلام شاعر با زبان شاعر ہے شاعر با زبان شاعر علی 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 کرم کے گوہر کرم کے گوہر لوٹائے ہیں تو جام عرفاں پلائے ہیں تو جام عرفاں پلائے ہیں جو روز و شب کے پہر پہر میں علی 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 ہو علی علی ہو علی 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 ہو درود لب پر سجا کے حسنی نعرہ حیدری نعرہ حیدری انتہائی کمال مقام درود لب پر سجا کے حسنی نبی نبی گگے کے گھر سے نکلو درود لب پر سجا کے حسنی نبی نبی گگے کے گھر سے نکلو سفر سے لوٹو جو اپنے گھر کو تو میرے گھر میں علی علی ہو 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرغب تو نیم گے سر مکہ
एक दल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है कुल का जमाल जो सके चेहरे से आया घोड़े पे गए हुसैन नजारा अली का है अली 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 सब दोस्त सब दोस्त तशरीफ रखेंगे शाह साहब शुक्रिया माजा साहब शाह साहब ने जाना सारे दोस्त तशरीफ रखो अपनी अपनी रिश्ता दे बैठ जाओ शाबाश तमाम बाप आ फुल पत्तियां याद छोड़ दो हुन ना सुटना बस मेहरबानी अल्लाह हू अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम